अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय कुकिंग हब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है और गर्मा गर्म पराठों की तो ज़रूर डिमांड होती ही है सर्दियों में, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा लेके चलूँ। वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। और रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ट्राई करें रेसिपी को। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया और ली थी मैंने हल्दी 1 चम्मच, जो कि मैं बाद में डाल दूँगी। अब मैंने 3 ये हैं आलू, ठीक है। आपके पास अगर बॉयल्ड पोटैटो है तो आप वो डाल लें। मैंने तो सालन में से निकालिए थे, काम को आसान बनाया, ठीक है। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दूंगी, अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। और अब मैंने 2 रोटियां बेलनी हैं, पतली सी, ठीक है। ये जो पराठे हैं ना, ये पतले ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी मोटा नहीं अच्छा लगता। अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और इसे तवे पर डाल देंगे, ठीक है। फ्लेम पहले मीडियम था, थोड़ा सा कुक किया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया मक्खन। अब इसे फ्राई करूंगी। फ्लेम मेरा लो हो चुका है, बिल्कुल लो, और जितने ज़्यादा लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे उतना ही हमारा पराठा क्रिस्पी बनेगा। आपको इसकी खुशबू भी आ रही होगी अगर आप मेरी रेसिपी दिल से देख रहे हैं ना, इतना यम्मी है पराठा बना था। प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।